अशोक कुमार गांगुली, फिल्म इंडस्ट्री वाले बोलते थे दादा मुनि, वो तो बाद में बोला। इनके पिताजी चाहते थे कि वो कानून की पढ़ाई करके वकील बने, क्योंकि घर के सभी लोग इसी प्रोफेशन से ताल्लुक रखते थे। इसलिए पिताजी ने इन्हें कलकत्ता के कॉलेज में पढ़ने के लिए भेज दिया। कॉलेज में पढ़ना तो शुरू कर दिया उन्होंने, लेकिन जाकर अशोक कुमार ने अपने प्रोफेसर से कहा कि सर मैं कानून की पढ़ाई नहीं करना चाहता, मैं तो फिल्मों में काम करना चाहता हूँ, फिल्में बनाना चाहता हूँ, मैंने तो अपने पिताजी की वजह से यहाँ एडमिशन लिया है। प्रोफेसर साहब ने जब अशोक कुमार की बात सुनी तो सजेशन दिया, देखो एक काम करो, तुम सुबह मॉर्निंग टाइम में लॉ कॉलेज ज्वाइन कर लो, लॉ की पढ़ाई कर लो, सुबह के टाइम पढ़ लिया करो और बाकी पूरे दिन फिल्में देखा करो। अशोक कुमार को ये बात जम गई और उन्होंने ऐसा ही करना शुरू कर दिया, मॉर्निंग टाइम पे पढ़ाई करते और बाकी टाइम फिल्में देखा करते। इसी बीच उनके एक रिश्तेदार जो लंदन से पढ़कर आए थे वो भी बॉम्बे में फिल्मों में काम करना चाहते थे, उन्होंने अशोक कुमार को अपने पास बॉम्बे बुलवा लिया। बॉम्बे पहुंचकर अशोक कुमार ने बॉम्बे टॉकीज को ज्वाइन कर लिया और बन गए वहां की फिल्म लैब के असिस्टेंट। उनका काम होता था फिल्म रील्स को स्टूडियो में लेकर आना और बाहर लेकर जाना। एक दिन जब वो रील्स लेकर आ रहे थे तब बॉम्बे टॉकीज के प्रोड्यूसर हिमांशु राय ने उनको बुलाया और बुलाकर दरियाफ्त की कि भाई कहाँ जा रहे हो, कौन तुम? उन्होंने कहा कि सर ये रील्स लेकर लैब में जा रहा हूँ। उस वक्त हिमांशु रॉय और बॉम्बे टॉकीज नजम उल हुसैन के साथ मिलकर एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था अछूत कन्या। नजम उल हुसैन ने किसी कारण फिल्म बीच में ही छोड़ दी। कहानी तैयार थी, सब कुछ तैयार था, पर उस फिल्म के लिए हीरो नहीं था उनके पास। हिमांशु राय ने अशोक कुमार को कहा कि मैं चाहता हूं कि इस फिल्म में तुम आ जाओ, टेक ओवर करो। अशोक कुमार को समझ नहीं आया, उन्होंने कहा इसके पहले कभी कैमरे के सामने एक्टिंग नहीं की थी, और दूसरा उन्हें लगा कि फिल्म में छोटा किरदार हो तो ठीक है, पर एक फिल्म का हीरो कैसे बन सकता हूं, नहीं ये उनके बस की बात नहीं है, और वो वैसे भी फिल्म बनाने आए हैं, हीरो बनने नहीं। तो ये सारी चीजें ध्यान रखते हुए उन्होंने हिमांशु रॉय से कह दिया कि मैं काम नहीं कर सकता, मुझसे फिल्म में काम होगा नहीं। लेकिन हिमांशु राय ने बहुत परसिस्ट किया, बहुत जिद की, एक बात नहीं सुनी और कहा कि अब से तुम लैब में काम नहीं करोगे बल्कि मेरे साथ इस फिल्म में एक्ट करोगे। और इस तरह जबरदस्ती करके हिमांशु रॉय ने अशोक कुमार को अछूत कन्या का हीरो बना दिया, और यहीं से अशोक कुमार के एक्टिंग करियर की गाड़ी स्टार्ट हो गई। इसी दौरान उन्होंने एक और फिल्म साइन की जिसका नाम था जीवन नैया, जो कि अछूत कन्या से पहले रिलीज हो गई और बन गई अशोक कुमार की पहली रिलीज्ड फिल्म। साइन पहले की थी अछूत कन्या, लेकिन रिलीज हुई जीवन नैया। इसके बाद तो दादा मुनि अशोक कुमार दादा मुनि बन गए और 60 साल तक इंडस्ट्री से जुड़े रहे एक्टिंग की, परफॉर्मेंस की। सुनते रहिए रेडियो का नंबर वन शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।